उसके बाद है सबसे बड़े प्लेयर, सबसे गणेश जी, क्योंकि शिव जी के बेटे गणेश जी थे, तो उसी हिसाब से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट मिस आउट ना कर पाए। वेलकम 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 गाइस, दूसरे पार्ट में स्वागत है आपका। पार्ट टू, हमारे कपड़ों से तो देख ही हो गए आपकी, हम अगले दिन आए हैं, वो वाले कपड़े नहीं है हमारे, थोड़े नए कपड़े हैं, थंबनेल भी सेम डाल देंगे, बस पार्ट वन में पार्ट टू कर देंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में आरसीबी तक बात की थी और इस पार्ट में मुंबई से स्टार्ट करना है हमको। मुंबई तो बड़े चेंजेस हुए हैं मुंबई में, मुंबई में थोड़े बड़े चेंजेस हुए हैं और जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कारन पोलार्ड फाइनली रिटायर हो गया है ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, वो होंगे मुंबई की स्क्वाड में होंगे जी, वो बैटिंग कोच होंगे ऐसा। हाँ, सो नॉट की ये वाले प्लेयर होंगे। सो रिटेन प्लेयर की बात कर ले रहे सुरेश जी, और जो है हमारे लॉन्डे फास्ट रोहित शर्मा कैप्टन है, टिम डेविड हॉट फॉर्म में, मुझे लगता है आईपीएल में इस बार धुआं कर देंगे टिम डेविड। फिर उनके बाद है रमनदीप सिंह है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार, वो तो अलग ही धुआं भरेंगे इंडिया में है वो तो। और फिर उसके बाद ईशान किशन है, ईशान किशन एक मैच का प्लेयर है 10 में से। फिर स्टब्स हैं, ब्रेविस हैं, आर्चर हैं, जोफ्रा आर्चर देखने वालों का खेलेंगे कि नहीं, बुमराह का नाम नहीं लूंगा मैं। फिर उसके बाद है सबसे बड़े प्लेयर, सबसे गणेश जी, क्योंकि शिव जी के बेटे गणेश जी थे, तो उसी हिसाब से बहुत गॉड के बेटे अर्जुन तेंदुलकर तेंदुलकर जी, उन्होंने बहुत नाम कमाया अपना। हाँ हाँ हाँ, अर्जुन तेंदुलकर, फिर है अर्शद खान, फिर है कुमार कार्तिकेय, फिर है ऋतिक रोशन, सॉरी ऋतिक शौकीन, फिर है जेसन बैंडोफ, वो उन्होंने उसके साथ किए हैं ट्रेड किए हैं आरसीबी के साथ जी। फिर है उनके आकाश चोपड़ा, सॉरी आकाश मधवाल। फिर अगले की बात कर ले तो जो रिलीज किए हैं कैरन पोलार्ड रिलीज नहीं है टेक्निकली, बट जस्ट वो प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे इस बार मुंबई के लिए। फिर है उनके अनमोल प्रीत सिंह है, आर्यन जुएल है, बसील थाम्पी है, फेबियन एलन है, जयदेव उदादकर है, मयंक मार्कंडे है, मोर्गन अश्विन है, राहुल बुद्धि है, मैं भाई गलत बोल रहा था तो कुछ राइली मैडी तो कौन है ये, संजय यादव है और टैम मिल्स है, एक ही नाम है, बड़ा नाम है वो। तो इसमें अर्जुन तेंदुलकर नाम भी हो सकता था अगर वो सचिन के बेटे ना होते, अर्जुन तेंदुलकर के बारे में आपको एक फैक्ट पता है कि किसी को नहीं पता वो बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग की फील्डिंग। मोटा मोटा यही है उनका रिमेनिंग पर्स है 20.55 करोड़, अच्छा पैसा उनके पास, और थ्री अब अच्छा पैसा है, पर इनकी टीम भी बिखरी हुई है अभी, मतलब इनकी टीम पूरी भी लग रही है, अधूरी भी लग रही है, देखना होगा, बिखरी भी लग रही है क्योंकि फॉर्म में नहीं है ना प्लेयर जो जो है, बुमराह तो इंजरी के बाद, पर वो आईपीएल बैशर है तो आईपीएल में तो चलेंगे लेंगे, उससे कम लेते नहीं वो। अभी जडेजा की बात हो रही थी कि जडेजा शायद मुंबई में आ जाए, पर धोनी के कहने पे रुला रुलू के धोनी ने ही कराया है कहने पे, तो क्या लोग कह रहे हैं रैना के समय पे धोनी कहां थे, लोग कह रहे हैं कि रैना के समय पे धोनी कहां थे, बार वो कर रहे थे फार्म में थे जी। धोनी जी को मैं कुछ नहीं कह सकता, धोनी जी जो भी करते हैं धोनी जी वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट है भाई, सीधी बात भाई, नोबडी डज इट बेटर। जाते हैं मयंक अग्रवाल के दोस्त की टीम, केएल राहुल की टीम, लखनऊ सुपर जायंट, बहुत बेहतरीन ओपनर है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छे खेलते हैं। आई थिंक इस बार ऑरेंज कैप केएल राहुल ही ले पाएंगे, आई थिंक उनके आसपास कोई नहीं है आईपीएल में। ओके, सो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम देख लेते हैं जल्दी। सो केएल राहुल, सॉरी बीकेएल है कैप्टन, आयुष बदोनी है, करण शर्मा है, मनन वोरा है, डीकॉक है, स्टॉइनस है, और गौतम है, गौतम को इन्होंने अभी भी रखा है, हां खिलाते हैं, सीजन में 8 करोड़ में बिके थे आई थिंक,
और चलते ही नहीं है, दीपक मतलब हुडा है। चलते चलेंगे तो हो, पर खिलाओगे तो चलेंगे ना। फिर हुडा है, काइल काइल मेयर्स मायर्स है, है, कुणाल पांड्या है, आवेश खान है, मोइस कृणाल पांड्या बड़े खिलाड़ी है। कुणाल पांड्या बड़े खिलाड़ी, फिर आवेश खान है, मोइस खान है, मोशिन खान है, सॉरी मार्क वुड है, मार्क मार्क वुड वुड, भी है पर मार्क वुड इंजर्ड है, सो मुझे नहीं लगता तो होंगे, पता मयंक नहीं। यादव है मयंक यादव है, और रवि रवि बिश्नोई, बिश्नोई है, रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई इस साल प्लेयर टू लुक फॉर रवि बिश्नोई हो गए, रवि मुझे बिश्नोई। पता हाँ नहीं, काली जुबान ना लगे हमारी बस, बाकी तो सही है सब, पर मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई का वो है, ये वो वाला आर्क है अभी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंत मेरा इंतकाम देखेगी बीसीसीआई, और सो अभी मुझे लगता है जी, वैसा सीन चल रहा है रवि बिश्नोई का। और सो उन्होंने उन्होंने जो रिलीज किए हैं, एंड्रू एंड्रू टाई, टे हैं, सॉरी टाई है, अंकित राजपूत है, जी दुश्मन चमीरा इन्होंने रिलीज दुश्मन कर दिए हैं, चमीरा, आई मीन लुइस है, मुझे लगता है दुश्मन चमीरा आईपीएल नहीं खेलेंगे इस बार, क्योंकि दुश्मन चमीरा श्रीलंका के साइड से भी नहीं खेले थे ना इस जी जी बार, जी जी तो एविन लुइस उन्होंने कर दिए। जेसन होल्डर, होल्डर जेसन जेसन होल्डर तो होल्डर, मुझे बहुत अच्छे ऑलराउंडर लगते थे, उन्होंने पता नहीं क्यों रिलीज कर मनीष दिए। पांडे भी, मनीष पांडे रिलीज कर दिए हैं, मनीष पांडे का भी एक बार एक टाइम पे चौड़ थी, जी 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 वो सारी चौड़ खत्म हो गई है खत्म हो मनीष गई पांडे है। की। सो अगले हैं शायद शादाब नदीम, नदीम, शाबाज नदीम, सॉरी शाबाश नदीम, शाबाज नदीम, अभी अभी ओडीआई में उनका सिलेक्शन हुआ शायद न्यूजीलैंड के लिए, सो इन्होंने भी रिलीज करनी है। सो इनके पास जो बजट है वो है 23.35 करोड़, विच इज गुड, और विच इज ओवरसीज गुड, इनके चार के चार चार। लेफ्ट है अभी। हाँ सो बजट इनके पास अच्छा है, अच्छा है, पर अच्छा इनकी है। मतलब नहीं, इनकी टीम में से बिखरी बिखरी क्यों लग रही है मुझे, तब हाँ भी मुझे भी लग रही है कुछ कुछ तो कमी। मुझे इन्हें तो, फास्ट बॉलर चाहिए। मैंने जब से एक प्लेयर का आवेश नाम सुन लिया है, कृणाल पांड्या, जिनका एग्रेशन एकदम टॉप पे रहता है, अगर कोहली से ज्यादा भी किसी के पास एग्रेशन है, वो वाइड करा के एग्रेसिव हो जाते हैं तो कि वाइड कैसे है ये, वो चौका खा के कहते हैं बैट्समैन को चौका कैसे। सो अगली टीम पे आ जाते हैं, शाहरुख खान की टीम, ये है जो उनके वो है बेटे आर्यन कोलकाता खान नाइट चला रहे राइडर। हैं आजकल। हाँ, और आजकल आप लॉन्च होने लग रहे हैं वो, जी मुझे लगता है अभी ऑक्शन होगा तो आर्यन खान और सुहानी खान दोनों होंगे उधर, क्योंकि जी उनका फिर लॉन्च भी करना है अभी बॉलीवुड जी में। यार, सो मोटी मोटी टीम देख लेते हैं। सो श्रेयस अय्यर है, कैप्टन कप्तान है नीतीश राणा है, नीतीश राणा है, गुरबाज है, फिर वेंकटेश वेंकटेश अय्यर अय्यर है, हैं, आंड्रे रसल है, सुनील नारायण है, शार्दुल ठाकुर ठाकुर है। हैं, ठाकुर सो वो शार्दुल ठाकुर का इन्होंने उनके चेंज वो किया ही है, है, ट्रेड ट्रेड हुई हुआ है है, डीसी के साथ। लोकी सो फर्गसन लॉकी का भी है, फर्गसन है, ट्रेड हुआ है उमेश उनका, यादव है, टीम साउदी है, हर्षित हर्षित राणा, राणा है, वरुण वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती है, है, मिस्त्री स्पिनर, मिस्त्री मिस्त्री नॉट मिस्त्री मिस्ट्रेस, मिस्त्री स्पिनर, और अंकुल रिंकू अनुकुल रॉय है, और रिंकू सिंह है, द सिंह, वन द ओनली ओजी, द लेजेंड ओजी रिंकू सिंह है। सो और जो उन्होंने रिलीज की है पैट कमिंस, तो उन्होंने भाई रिलीज की है पैट कमिंस पता नहीं क्यों रिलीज कर दिया, पर चलिए सैम बिलिंग, शायद मुझे बिलिंग्स लगता है सैम पैट कमिंस ने मे भी खुद मना कर दी हो, जी हो क्योंकि सकता है, एशिज भी है जी, मे भी और कम मुझे मैचेस लगता है कि खेले हैं। उनकी उनके शायद वो खेले ना ये वाला आईपीएल, क्योंकि सैम बिलिंग्स ने तो मना कर दिया ये वाला आईपीएल नहीं खेल रहे सैम बिलिंग्स, क्योंकि वो उनका कुछ फैमिली इशू है आई थिंक, तो इसलिए रिलीज कर दिया सैम बिलिंग्स को। पैट कमिंस का भी मुझे लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं एशिज और वर्ल्ड कप के लिए। सो कंटिन्यू करते हैं, अमन खान, शिवन मावी, मोहम्मद नबी, मोहम्मद नबी, फिर शमिका करुणा चमीका अपने, किरण, और फिंच है, एलेक्स हेल्स है, अभिजीत तोमार है, अजिंक्य रहाणे इन्होंने रिलीज कर दिए बड़े हैं, प्लेयर हैं टेस्ट के, बाबा अशोक बड़े प्ले टेस्ट के, अशोक शर्मा बाबा बाबा जी करे हैं उन्होंने, प्रथम सिंह करे हैं, रमेश कुमार, रशीक सलाम, जी शेल्डन जैक्सन, और इंजेक्शन इन्होंने इतने ज्यादा प्लेयर रिलीज करे हैं तब भी जी, इनका बजट 7.5 करोड़ ही है। मुझे लगता है इन्होंने ये सो फ्री ये में लिए मुझे होते समझ हैं। नहीं, इन्होंने इन्होंने हाँ मुझे लगता है कि 20-20 लाख के नहीं सारे मुझे फिंच लगता है पता है क्या दिए। हुआ, बाकी पैसे आर्यन खान की लॉन्च में लग गए हैं। इनके ओवरसीज स्लॉट रिमेनिंग 3 हैं, और इनमें इसमें कमी किसकी, आंड्रे रसल बीच में खेल लेते हैं, वो फिनिशर भी या बॉलिंग भी करा देते हैं, वेंकटेश अय्यर भी इनके मुझे बॉलिंग को करा केकेआर देते हैं। कभी ढंग की टीम नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। हाँ, इन पे बॉलर नहीं है हाँ ढंग के, और शार्दुल ठाकुर ट्रेड हुए हैं तो मे बी हु नोज, अभी देखना पड़ेगा अभी। लेकिन अभी तक जितनी भी टीमें मैंने देखी सबसे अच्छी मुझे डीसी की टीम लग रही थी, और डीसी और डीसी की, राजस्थान की, राजस्थान की तो जिन्होंने बहुत और
हाँ उनके पास बजट भी ठीक ठाक ही है अभी, इनके पास तो बजट भी नहीं है ना, इनके पास प्लेयर हैं उतने। सो इस साल मुझे लगता है लास्ट नंबर पे केकेआर ही आएगी। चलो जी मतलब पहले पे कौन आएगी इसका तो पता नहीं है, पर लास्ट वाला लास्ट पता लग गया कि केकेआर तो है। 7 करोड़ के साथ तो तो ये कुछ भी नहीं कर हाँ, पाएंगे 7 करोड़ से क्या जी। क्या खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे ये। सो मोटा मोटा यही है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन टीम पे टीम है उस है पर बात मेन कर टीम लेते हैं, जो इस साल का आईपीएल जीतने वाली है हम अभी कह जी देते हैं, पीएसके, क्योंकि लास्ट है धोनी का तो सी एस के। हाँ सो सी एस के जो स्क्रिप्ट नाम की भी चीज होती है जी आईपीएल में। ऑब्वियस सी बात है। सो एम एस धोनी है कैप्टन, कप्तान वापस आ गए हैं एमएस धोनी एज अ कैप्टन कप्तान लास्ट जी टाइम। वापस आ गए हैं, और डेविन कॉनवे कॉनवे द पावर हिटर प्रॉपर टेस्ट के वो है। फिर ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़ गायकवाड है हैं, जो एक अंबती एक मैच में रायडू चले जाते हैं हैं। अंबती रायडू ने रिटेन कर लिए, पहले बात जी। चल रही थी कि वो रिटेन नहीं होंगे, पर उन्होंने कर लिया अंबती रायडू को धोनी का सिक्का रिटेन। तो चलता है फिर हाँ धोनी धोनी ने कहा कि ए, फिर उसके बाद सेनापति उन्होंने कर रखे मोइन अली, शिवम दुबे, फिर राजवर्धन, आई डोंट नो व्हाट इज हिज सरनेम, जी। डेविन प्रिटोरियस प्रेटोरियस प्रिटोरियस, मिचेल सेंटनर, सेंटनर, जड्डू जी, जडेजा पता जी, नहीं जड्डू जी खेलेंगे कि नहीं खेलने वाला सीजन, तुषार देशपांडे, इंजरी, मुकेश मुकेश चौधरी पिछला चौधरी सीजन अच्छा जी गया था अच्छा गया उनका, था इनका फिर पाथी राणा है, फिर जी। सिमरजीत सिंह है, दीपक दीपक चाहर चहर है, है, प्रशांत सोलंकी सोलंकी है, है, महेश महेश दीक्षा दीक्षणा है। है, तो इनके ठीक ठाक टीम जी। है। और इन्होंने जिनको रिलीज किया है वो डेविन ब्रावो को इन्होंने रिलीज कर दिया है, उत्थू बुढ़ापा जी को रिलीज कर तो दिया, आप उत्थू जी कमेंट्री को करते कहा हैं है लोगों हाँ कि आप टूटी फूटी हिंदी में कमेंट्री करिए। उत्थप्पा जी जी। को एक बार हिंदी में कमेंट्री कराया है, उसके बाद कराया ही नहीं कभी। सो एडम मिलिन है, हरी निशांत है, क्रिश क्रिस जॉर्डन जॉर्डन उन्होंने है, बड़ा रिलीज नाम कर है दिया क्रिस है, जॉर्डन। बड़ा नाम। तो और भागरथ वर्मा है, के एम आसिफ है, नारियान जगत जग शीन है, ये स्पॉट बॉय है सब। जगदीशान सॉरी। तो यही अपन, इसके पास बजट भी अच्छा खासा है, 20.45 करोड़। 20 करोड़ 4-5 करोड़ का है तो अच्छा सो अच्छा इनके है, पास ये अपनी है। टीम मजबूत कर सकते हैं यहाँ से तो। मतलब धोनी का लास्ट सीजन है ये, तो मुझे लगता है ये जीतेंगे। अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद और उनका रिमेनिंग परसेंटेज एक बार बताएं क्या। जी, रिटेन्ड प्लेयर्स हैं अब्दुल समद, एडन माक्रम, राहुल त्रिपाठी, गिलन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, मार्को जैनसन, वॉशिंगटन सुंदर और फारूकी, कार्तिक त्यागी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमर मलिक, जिसमें से अभी इनका कप्तान नहीं उमरान पता है, मलिक, उमरान मलिक अभी कप्तान नहीं मुझे पता लगता कौन है होगा, भुवनेश्वर माकरम, माकरम या भुवनेश्वर से चुनेंगे जी किसी जी जी कैप्टन को, हो क्योंकि सकता है। और तो मुझे दिखता नहीं है इसमें से कैप्टन, क्योंकि और जो जो कैप्टन बन सकते थे उन्होंने बाहर वो तो निकाल निकाल दिया। दिए इन्होंने। सो और जो जो इनके रिलीज 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 हुए। प्लेयर हैं, केन विलियमसन को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है केन विलियमसन को तो दिखाना जरूरी था, जी, और उनको निकोलस बताना था पूरन कि को भाई भी स्ट्राइक दिखाया रेट है बताओ। निकोलस पूरन का भी कुछ जा नहीं रहा है ये जी। वाला साल अच्छा, और तो फिर ये भी सुचित नहीं गया है। को भी निकाला है इन्होंने बाहर किया है, प्रियम गर्ग जगदीश है, है, सुचेत, रवि कुमार समर्थ है, रोमोरिया शेफर्ड है, शेफर्ड है, सौरभ दुबे हैं, सीन शिवम एबॉट दुबे के है, भाई सुशांत सिंह है, श्रेयस गोपाल शशांक है, सिंह है, सुशांत मिश्रा है, विष्णु सुशांत विनोद मिश्रा है, है। सब तो ऐसे ही है। फिर बजट टेक तो इनके पास बहुत है, बहुत गाइस बजट आप है। जानना चाहते हैं इनके पास क्या बजट है, सचिन आप बताएंगे क्या बजट है इनके पास, कितना कितना कहाँ पैसा 42.25 करोड़, एक हमको दे दो, जी। इसमें 25 लाख ही दे दो। हम सब सफाई कर देंगे, स्पॉट बॉय रख लो, हमको पानी पिला दो जी हमको हमको लाख रुपए में खरीद लो इस आईपीएल सीजन में, जी बस हम बिक जाएंगे, हमको खरीद नेट्स में लो। बॉलिंग करा देंगे, बट्टा स्पिन, सो यही है मोटा बहुत मोटा पैसा इनके पास सनराइजर्स, तो पर ये इनकी तो टीम भी ऐसे ही है, इनके पास बॉलर है नहीं, खरीदेंगे किसको, उमरान मलिक देखेंगे है टीम, किसको। नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, ये पर सैम भाई करन के इनकी लिए जा बॉल। सकते हैं, पर मुझे नहीं हाँ लगता ये सैम करन जाएंगे, इनके लिए जाएंगे, पता नहीं 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 जाएंगे जाएंगे, ये जी सैम करन के लिए जा रहे हैं भाई, मतलब बहुत बड़ी बोली लगेगी इस साल सैम करन की, सबसे जी बड़ी बोली मुझे लगता है सैम करन की लगेगी इस साल, मोटा पैसा क्योंकि कमाने वाले हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं वर्ल्ड कप के। सो छोटा मोटा नाम नहीं है सैम करन इस समय, इस समय सैम करन बड़ा नाम है। जी। सो इस साल सबसे महंगा प्लेयर सैम करन, और इंडियन में सबसे महंगा प्लेयर आई थिंक मयंक अग्रवाल को ही लेंगे जय मैं मे अग्रवाल ही बी। जाएगा तो आई थिंक हमारी हो गई है 10 की 10 टीम। जी। और सुहे जी आप अपने प्रिडिक्शन बता दो, कौन जीत रहा है वाला आईपीएल सीजन आपके अकॉर्डिंग। जी मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा,
सीएसके जीत रही है, धोनी का आखिरी है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट सीएसके, सीएसके जीत रही है, और सीएसके देखना आप जीतेगी यहाँ से। और आप अपना ऑरेंज कैप बता दो और पर्पल कैप जो टट्टी होती है आईपीएल में वो बता दो। ऑरेंज कैप हमारे केएल राहुल जी बनेंगे और पर्पल कैप हमारे बुमराह स्कूटर बुमराह जी। सो माय आंसर इज आल्सो सेम, नथिंग डिफरेंट होगा। अन करते हैं आप दोनों टीम, दोनों सॉरी 10 की 10 टीमें बता दी हमने आपको, और जब पहला मैच होगा उससे थोड़े दिन पहले आ जाएंगे हम। बिल्कुल क्यों नहीं, हाजिर हाजिर रहेंगे हम, हाजिर तो होना ही हमें। सो आईपीएल की अगली वीडियो मार्च के टाइम ही आएगी, उसके पहले तो कुछ आईपीएल का है नहीं। सो मोटा मोटा यही था, और अगली वीडियो नहीं, इससे अगली वीडियो एक और आएगी जिसमें हम बताएंगे कौन किसने खरीदा, कैसी टीम लग रही, फाइनल टीम एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग 23 तारीख को आई थिंक ऑक्शन। सो ऑक्शन के बाद एक बार आएंगे आपके साथ। सो सर जी एंड करते हैं वीडियो का, ऑन दैट नोट एंड करते हैं, सब कुछ डिस्कस हो चुका है, आपके सामने टीम है, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट आप लोग के आते नहीं है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों नहीं आते हैं, कमेंट करें, बताएं क्या देखना चाहते हैं आप क्रिकेट के बारे में यार, कम ऑन यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, टेक केयर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ओके टेक केयर गाइस, बॉय 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 बॉय, नमस्ते।